पालमपुर में कुल कमेटी कृपालचंद की बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कुल ने हमारे जीवन की रेखाएं हैं और इनके माध्यम से किसानों को खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। बैठक में नगर निगम पालमपुर के आयुक्त, खंड विकास अधिकारी भवारना सुलहा, जल शक्ति विभाग तथा राजस्व विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि कृपाल चंद कुल सुलहा हल्के के लोगों के लिए जीवन रेखा है, जो लगभग 1700 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई की सुविधा प्रदान करती है। उन्होंने बताया कि 27 किलोमीटर लंबी इस कुल से दर्जनों पंचायतों के किसानों की सिंचाई की सुविधा प्राप्त होती है। उन्होंने कहा कि समय समय पर कुल के जीर्णोद्धार पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों की सुविधा के लिए पानी की लीकेज तथा रास्ते में पानी की चोरी को बंद करने के लिए 5.5 करोड़ से मरंडा से केदार तक लगभग 10 किलोमीटर मोटी पाइपलाइन के माध्यम से पानी पहुंचाया गया है। साथ ही जगह जगह पर क्षतिग्रस्त 2700 मीटर कुल रिपेयर कर लगभग 1.25 करोड़ रुपया इस पर व्यय किया गया है। उन्होंने बताया कि किसानों की खुशहाली के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए सरकार कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि कृपालचंद कुल की मरम्मत इत्यादि के काम में जितनी धनराशि की जरूरत है, सरकार उसे मुहैया करवा रही है, ताकि अंतिम छोर तक पानी पहुंचाया जा सके। कि जो कमेटी बनेगी वो महीने में एक बार अवश्य बैठा करे और आपका एक अधिकारी, चाहे कभी एक्सएन एसडीओ, उसमें उपस्थित रहा करे। बहुत कोई बड़ा ओपन हाउस या जनरल हाउस करने की जरूरत नहीं। उसमें जो जो हमारे जरूरी काम है, कहीं पर लीकेज है, कौन कौन से पॉइंट्स हैं, वो उस कमेटी के सदस्य पहले निश्चित करके लाएं। यानी कमेटी की मीटिंग और प्रशासन की मीटिंग में वहां पर यह ना हो कि मेरे घर में उसके आस पड़ोस में, पहले यह तय हो कि भाई इस इलाके में सीपेज है, यहां पर ब्लॉकेज है, यहां पर डंगा लगना है। तो ये एजेंडा आप कमेटी में निश्चित करेंगे और विभाग के अधिकारियों के साथ बैठ करके उसका निराकरण करेंगे। एक तो मैं ये आदेश दे रहा हूं। तो मुझे यही कहना है कि हम पंचायत, दोनों बीडीओ साहिबान बैठे हैं, थोड़ा जहां जहां जिस इलाके में ये कुलें आती हैं, वहां के पंचायत प्रतिनिधियों की चाहे आप मीटिंग रखें, पर्सनली जाएं, 2-3 पंचायतों को बुला लें, उनको समझाएं। प्रधानों का भी रोल है, वो अपनी जिम्मेवारी को निभाएं और ये सुनिश्चित करें कि कुल में कूड़ा करकट ना पड़े, और कूड़ा करकट पड़ेगा तो जो भी आप उनको समझाएं बताएं, ये बहुत जरूरी है। ये इस इलाके की कृपाल चंद कुल, जितना मैंने एमएलए बनने के बाद, इसी चौथी बार मैं एमएलए बना हूं, जितनी बार मैंने ये मुद्दा विधानसभा में उठाया है, मुझे लगता है कि शांता कुमार जी के बाद विपिन परमार ने ही इस मुद्दे को उठाया। और जब शांता जब